अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना सीखना है और हम देखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेट किस तरह से किसी भी कंपनी के लिए यूजफुल होता है। विलियम ज़ाका बैटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, और इसको हम मीक्स एंड मीक्स भी कहते हैं। चैप्टर 8 हम कह रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स हाउ क्विकली अ कंपनी सेल्स इट्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। यानी कि जब आप रॉ मटेरियल या मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो कितनी जल्दी उसको आप सेल कर देते हैं, अगर आप उसको देखना चाहें तो। उसके लिए फिर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेट यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है और उसको आप डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आती है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट है, ये एक्चुअली आप अगर इसको कंपेयर करें अपने कंपेटिटर के इन्वेंट्री टर्नओवर रेट के मुकाबले में, तो जितना ज़्यादा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेट होगा, इसका मतलब है आप उतना एफिशिएंट परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंपेटिटर के मुकाबले में। और अगर ये रेशो या ये रेट आपका कम होगा तो इसका मतलब है आप अपने एसेट्स, पर्टिकुलरली इन्वेंट्री को एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव रेशो होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसी में एक आपके पास दूसरा रेशो होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री। यानी कि इसको हम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कितने दिन में ऑन एवरेज आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है। अगर आज आप रॉ मटेरियल या कोई स्टॉक खरीदते हैं तो कितने दिन में वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमने देखना हो तो हम एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री काउंट करते हैं या ये रेशियो हम यूटिलाइज करते हैं। ऑब्वियसली ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा। यानी 10 डेज को अगर आप कंपेयर करें 15 डेज में, तो इसका मतलब है कि 10 डेज में आप अपनी इन्वेंट्री को सेल कर देते हैं, विच इज़ मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू 15 डेज। ये दो फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि इन्वेंट्री एज एन एसेट उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि आप अपने एसेट्स को या कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। हम चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और हम एक्सेल शीट में इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो ब्रीफ एक्सरसाइज है वो है 8.9 और ये आपके सामने मौजूद है। अगर हम इसमें डेटा देखें तो हमारे पास ये सेल्स की अमाउंट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी हुई है और एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट दी हुई है। और आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कंप्यूट कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर एज वेल एज एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री। यानी कि अभी जो हमने दोनों रेशो डिस्कस किए हैं वो दोनों रेशो आपसे पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जो रेशो कैलकुलेट करेंगे वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेट अभी आपको बताया था कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री ही को हम अपनी एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर करते हैं। यानी अगर सिर्फ आपको एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारी एवरेज एंडिंग इन्वेंट्री है। यानी कि आप यूँ कह लें एवरेज इन्वेंट्री है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, हम ये अज्यूम करते हैं। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें गिवन है प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है, वो हमें दी हुई है 500,000। तो 500,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो कि 128,000
000 है. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3.9. और इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, 3.96 टाइम्स, यानी कि जो आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं आपकी जो वो 3.96 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है. और नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज नंबर ऑफ डेज, डेज टू सेल इन्वेंट्री. और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर होते हैं जो कि हम कितने लेते हैं, हम 365 लेते हैं, डिवाइड बाय हमने जो इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला होता है, अब यहाँ पे आ रहा है 3.93. तो 3.9063. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो हमारे पास आ जाएगा 93 डेज. सो ये है, यानी कि आज अगर हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, इन्वेंट्री फॉर रीसेल पर्पस, तो वो 93 डेज में ऑन एवरेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो सेल हो जाती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है. सो ये था हमारा ब्रीफ एक्सरसाइज 8.9. नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारे पास है 8.10. और 8.10 में आप देखिए कि आपको सेल्स दी हुई है 2 साल की, 2010 की और 2011 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री दोनों साल की दी हुई है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ईच ईयर, दोनों साल की इन्वेंट्री टर्नओवर आपसे पूछा हुआ है. एंड इन विच ईयर डिड रोज मैनेज इट्स इन्वेंट्री मोर एफिशिएंटली, तो हमने दोनों साल को कंपेयर भी करना है. सो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से. अब हम लेते हैं 2010 और फिर 2011, क्योंकि हमने दोनों को कंपेयर भी करना है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ रही है 85, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री है 27. दूसरे साल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90 है, डिवाइड बाय 35. सो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं. पहले साल हमारे पास आंसर आ रहा है 3.14 टाइम्स और दूसरे साल है 2.57 टाइम्स. कब हमारी इन्वेंट्री आप कह लें कि ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो ज़्यादा था, यहाँ पे पूछा हुआ है इन विच ईयर डिड रोज मैनेज इट्स इन्वेंट्री मोर एफिशिएंटली. ऑब्वियसली यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 3.15 टाइम्स. इस दिन यानी कि इस ईयर 2010 में कंपनी ने जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया है, यानी कि 3.1 टाइम्स इसकी इन्वेंट्री साल में सेल्स में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑन एवरेज कन्वर्ट हुई है. जबकि दूसरे साल अगर हम देखें तो ये रेशियो थोड़ा कम आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, या अगर हम पहले साल से कंपेयर करें तो कम आ रहा है. अगर हम इसी को, हालांकि इसमें पूछा हुआ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम डेज टू सेल इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों साल की. तो पहले साल हमारे पास है 2010 और फिर 2011. तो हमारी जो बात हमने अभी ये बात कही है कि 2010 में ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया है, तो वो भी प्रूफ हो जाएगी कि ये बात सही है या गलत है. इसका फॉर्मूला है 365, यानी कि डेज इन अ ईयर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर से, तो 481. और दूसरे साल है जो 2011 है, तो हमारे पास 365 डिवाइड बाय 2.5714. अगर आप देख लें यहाँ पे डेज,
अगर हम इस तरह डेज टू सेल इन्वेंट्री में कंपेयर करें तो भी आप देखिए 2010 ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आज आपने इन्वेंट्री खरीदी है तो कितने दिन बाद उसको आप सेल कर सकते हैं या कर चुके हैं, जो कि 115 डेज या 116 डेज नज़र आ रहा है 2010 में। 2011 में ये ड्यूरेशन ज़्यादा है। ड्यूरेशन ज़्यादा का मतलब है कि कंपनी की इनएफिशिएंसी है, कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है 2011 में। सो ये थी एक्सरसाइज, ब्रीफ एक्सरसाइज 8-10। अब हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 8-13। तो हम 8-13 करके देखते हैं कि उसमें क्या पूछा हुआ है, और वो भी इन्वेंट्री टर्नओवर से रिलेटेड ही है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मौजूद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एवरेज टाइम टू कलेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि जो आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होता है जब उसकी कलेक्शन होती है, यानी क्रेडिट सेल्स के बाद जब अकाउंट्स रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है, 45 डेज लगते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कंप्यूट क्राफ्ट इन्वेंट्रीज टर्नओवर। सो इन्वेंट्री टर्नओवर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर वन है इन्वेंट्री टर्नओवर, और इसका फॉर्मूला हम अभी हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। अब यहाँ पे सवाल में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी हुई हैं, तो हम एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, ये 24,651, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग, जो कि 3,506 है, इसको प्लस करेंगे क्लोजिंग में जो कि 4,096 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री। आप चाहें तो इसको अलग से निकाल लें, अलग से कैलकुलेट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज द इन्वेंट्री टर्नओवर, जो कि 6.5448 टाइम्स है। उसके बाद जो सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज टू सेल है। सो हम सेकंड निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डेज, और इसमें क्या होता है, डेज टू सेल इन्वेंट्री, इसमें 365 डेज जो इन अ ईयर होते हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर से, जो कि हमने 6.4854 कैलकुलेट किया है। सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अब हमारे पास डेज में आएगा, और कितने डेज आ रहे हैं, 56 डेज में। यानी कि आज आप अगर खरीदते हैं रॉ मटेरियल तो कितने दिन में आप उसको सेल कर देते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो 56 डेज में। सो ये डेज आ गए, और डेज की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, सो डेज आ गए। थर्ड है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्राफ्ट्स ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑपरेटिंग साइकिल हम यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल की जो हमारी लेंथ है वो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, डेज टू सेल इन्वेंट्री, और इसमें हम प्लस कर देते हैं डेज टू कलेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल। सो डेज टू सेल इन्वेंट्री अभी हमने 56 डेज कैलकुलेट किया, और अकाउंट्स रिसीवेबल के डेज कितने दिए हुए हैं, 45, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के डेज आ जाएंगे, जो कि हमारे कितने आ रहे हैं,
101 डेज. एक्चुअली इस 101 डेज का क्या मतलब है? 101 डेज का मतलब है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू परचेज रॉ मटेरियल, यानी कि आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं सेल में, उसको आप सेल करते हैं यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट होती है, और जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वही पैसे आपको वापस आ जाते हैं. कितने दिन में वापस आ जाते हैं? ये सारा ऑपरेटिंग साइकिल आपका 101 डेज में लगता है. सो लास्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वुड यू वांट टू बी एबल टू वैल्यूएट क्राफ्ट्स ऑपरेटिंग साइकिल फिगर. अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल फिगर जो है 101 डेज आ रही है, तो अब आप ये बताइए कि ये जो 101 डेज आ रहे हैं यानी 101 डेज आ रहे हैं, ये आप इसको इवेलुएट करें, ये कैसे है, ये एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, अच्छे हैं, बुरे हैं? तो एक्चुअली हम 101 को किस चीज़ से कंपेयर करें? यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. मज़ीद हमें क्या चाहिए है? या तो आपके पास अब आपके कंपेटिटर्स का डेटा मौजूद हो कि आपके कंपेटिटर्स की ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन में है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि 101 डेज अच्छे दिन है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अच्छी है, फास्ट है, एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है. जब तक कि आपके कंपेटिटर्स का डेटा किसी और कंपनी का, किसी और सेम जस्ट लाइक फूड कंपनी का डेटा आपके पास मौजूद नहीं होगा, तो आप ये नहीं बता सकते कि 101 डेज आपके एफिशिएंट हैं, अच्छे हैं या नहीं है. दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कंपेटिटर्स का डेटा नहीं भी मौजूद है, तो एटलीस्ट आपका अपना प्रीवियस ईयर का डेटा तो मौजूद होना चाहिए कि जिसको आप देख के ये कह सके कि प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में आपने आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल इस साल की है वो अच्छी है या बुरी है. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करना है इसी चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स का. 8.2, 8.3, 8.4 एंड 5 हम देखेंगे हम कितना कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होगा. सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टेक केयर क्लास.